1 2 3 लेट्स गो। तो ठीक है भाई, अब देखते हैं रैगनार के साथ लगी है रेस। लो यार निकल लिया। अब बस चेक करो मीटर को। व्लॉग और आज भाई अपने साथ फिर अपनी बाइक और आज भगाएंगे इसको फिर एक टॉप स्पीड पे, देखते हैं आज कितनी अगर भाग सकती है। मैक्सिमम पता ही है 100-120 तक जाती है और आज फिर भी कोशिश करेंगे उससे ज़्यादा ले जाने की अगर जाती है तो। और ये भाई रास्ता एक खुला रहता है और भगाते हैं उस रास्ते में जहाँ पे कोई मतलब किसी कोई रिस्क नहीं है क्योंकि खाली रास्ता है, काफ़ी हद तक बड़ी कम गाड़ी आती है। तो अभी चलते हैं अपनी बाइक को लेके और निकलते हैं। गाड़ी आगे सारी तो अंदर को बाद में कट लेंगे, अभी भगाएंगे भाई इसको क्योंकि ये रास्ता ऐसा ना भाई एक साइड पे गाड़ी आएंगी क्योंकि यहाँ पे बड़े कम गाड़ी आएंगी एक साइड, तो अपनी एक साइड भगा के रखेंगे तो इन खड्डों से बच के रहना पड़ता है भाई। देखो सुई बिल्कुल खड़ी होगी, भागने को तो भाई बुलेट को जितना भगा लो यार, जितनी खींचनी उतनी खींच, मतलब पता खींचने वाला चाहिए, भागती बड़ी खतरनाक है और फिर कंट्रोल वर्क करने वाला भी चाहिए भाई ऐसे रास्तों में आगे से, क्योंकि गाड़ियाँ भी वैसी आएंगी जैसे हम चलेंगे यहाँ पे, रास्ते वैसे ही हैं। और फिर देखते हैं एक बार फिर टॉप एंड करवाते हैं। स्लो One, 1 2 3 लेट्स गो। ठीक है भाई, अब देखते हैं रैगनार के साथ लगी है रेस। किसी गाड़ी आ गई, दिखाना है कि आप भाग सकते हैं। लो यार निकल लिया। अब बस चेक करो मीटर को, 80, 90 और 100 पास लो पास कंट्रोल भगाओ इतना भाई कि कंट्रोल भी हो जाए इजी आराम से। पास ले लिया और पास भी हमने वहाँ पे किया जहाँ पे मतलब पता कि खुली जगह है, कोई नहीं आगे से आ सकता और कोई देख भी नहीं रहा था दूर दूर तक, इसलिए भाई कि साइड से पास आउट कर लिया। भगाओ वहाँ पे जहाँ पे भाग सकती है भाई, अब पता लगा कि कंजेस्टेड रास्ते में भगा रहे हो और आगे से जाके गाड़ी आती है और आप उसमें जाके फंसते हो तो भाई नुकसान दोनों को हो जाएगा। बलैरो के साथ पास आउट किया और तो चलिए आगे, पता होना चाहिए कि गाड़ी कहाँ पे है क्योंकि एक साथ हाइट ज़्यादा थी चढ़ाई है दूसरी साइड पता नहीं इतना, अगर ब्रेक्स पे हाथ रखना कि जितना कि गाड़ी कंट्रोल हो जाए। अंडर द वेट चले यार भाई तो काफ़ी हद तक ठीक है। हाइट और आपको डाउन में फर्क है, तो
मतलब 100 तो मतलब इस रोड पे रहती रहती है ना ये बस। सड़क अपने डैम में भी ठीक है आगे, उसके बाद ये भी खराब है। अब नहीं करेंगे कुछ ही।